अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं ब्लूबर्ड सिटी। सुबह ही हम इस तरह से वापस आए, लेकिन शाम को हमारा इरादा बन गया कि यहाँ जाना है और हम पहुंच गए। पीछे भी है कोई बंदा। सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो यहाँ पे टिकट लगता था, अब इसकी जो इंटरेस्ट है बिल्कुल फ्री हो गई है हर किसी के लिए। आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी दिन। यहाँ आके पता लगा कि हमारी दूसरी फ्रेंड जो हैं मेहताब लोग भी यहाँ आई हुई हैं। अभी पहले हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं और देख गर्मी ना लगे। गर्मी से बचने के लिए देखो उन्होंने कितना खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। चले उस साइड जाते हैं जहाँ पे सलमान खान के हाथ के प्रिंट हैं और दूसरे किंग वगैरह के भी प्रिंट हैं। आगे जाते ही आप इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाई जाएगी। मजाक कर रही हूँ, ये पहले का बिछा हुआ है और इर्द गिर्द सबके खेलने के लिए इन्होंने गेम्स वगैरह बनाई हुई हैं। ये सिर्फ दूर से ही अच्छा लगता है, मेरा तो दिल निकल गया पास जाके। इन्होंने मेरा नन्ना मुन्ना दिल जो है ना धड़का दिया, एकदम डरा देते हैं ये लोग।
आगे चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। ये इन्होंने एक भूत बंगला सा बनाया है, इसके बाहर इन्होंने सारा सेटअप ही किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पहले मॉडल लगी में, जिसको डर वगैरह लगता है तो वो इसी को देख के अपना दिल भर ले, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, और बच्चे तो वैसे भी छोटे अलाउ नहीं है। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा अंदर जाने के लिए। अला छोटे का दोने का नुकसान, ये देखिए जी यहाँ पे इन्होंने 5 सेकंड खड़ा होना है, इसके बाद ये अपनी मर्जी का कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं। हम भी खड़े हो गए हैं देखने के लिए। वो कर लो भाई, कितनी लंबी वीडियो करूँगी। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से इन्होंने नीचे फोग निकाल रहे हैं और लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। यहाँ से इसका टिकट लेना पड़ता है, यहाँ से फिर जाते हैं ऊपर। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इन्होंने पुरानी ट्रेन बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत है, हम भी इस पर जाएंगे अभी ऊपर। यहाँ पे आए तो कम से कम जैन में 2-3 घंटे रख के आए, क्योंकि बहुत बड़ा है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें ये जगह मैंने बिल्कुल नहीं दिखाई और खुद भी नहीं देखी थी, आज ये सारी जगह मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मौसीकी चल रही है और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं देखकर।
यहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई हुई है। अगर बंदा वीडियो बनाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी जगह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चेक करें भाई, कितना खूबसूरत इन्होंने, बिल्कुल एक गांव का ढाबा नहीं होता उसका इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अब चलते हैं मैकडोनल्ड्स, कुछ खा लेते हैं और आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। वीडियो हो गई है बहुत बड़ी, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते हमें फ्री सिरप भी मिल गया।